रेडी? नहीं अभी बस नहा रहा हूँ जाके। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। हाँ। हो गया नाश्ता? हो गया रेडी? चले थोड़ी देर से निकलते हैं बस। तुम भी रेडी हो जाओ नाश्ता करके, बैग पैक कर लो। और कर्नल जनाब को लग रहा है कि हम फिर इसे छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन इसे नहीं पता कि इस बार हम इसको भी ले जाएंगे। ये कहाँ, क्यों? नीचे ब्रेकफास्ट के लिए, सबके लिए। जलेबी? एक दे दो बस। जलेबी? मीरा रोड के वो बहुत फेमस जलेबी वाले हैं जो सिर्फ सुबह खुलती है शॉप, इट्स ओनली फॉर जलेबी एंड दैट नमकीन व्हाटएवर यू कॉल। हाँ, और खत्म हो जाता है उनका बस। एक ही बोला था आपने तो। तबीयत के बहाने मेरे को खिला लो खूब। रेडी? हाँ। अम्मा रेडी? कहाँ जा रही हो? घूमा है। कहाँ? पता नहीं यार। नहीं, मतलब पता है। पता है कहाँ? वो जगह कौन सी जहाँ हम गए थे? नाम बता दे। अपन गए थे ऊपर। हाँ। देला? देला। चलो अब आप निकलो, मैं पापा को लेकर आता हूँ, ठीक है? आ जाओ चलो। सब लोग प्रतीक भाई को कंग्रेचुलेट करना क्योंकि इनकी जॉब लग गई है और आज इनका सेटअप है इनके लैपटॉप, इसलिए आज ये नहीं आ रहे हैं। ये कल हमें ज्वाइन करेंगे वहाँ पे, राइट? बिल्कुल भाई, पक्का? और नहीं किए ना तो पक्का पक्का है ये कल हमें ज्वाइन करेंगे। चलो बाय, आ जाओ। फाइनली सब हो गए हम सेट। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं, पापा कहाँ जा रहे हैं? लोनावला जा रहे हैं। हमारा सडनली प्लान बना लोनावला जाने का, क्योंकि एक तो सबसे पहला रीज़न ये भी है कि बेटी खाला और अम्मा भी एक हफ्ते में वापस जाने वाले हैं मौदहा, तो हमने सोचा क्यों ना उनको एक लास्ट ट्रिप लगवा दिया जाए। और प्लस अम्मी की शर्त भी थी, हालांकि शर्त तो मैं जीता था। अम्मी ने कहा था कि एक महीने में 5 किलो वेट लूज़ करेंगी, लेकिन वो एक महीने में नहीं हुआ, बट मैंने कहा चलो घूम लेते हैं। और प्लस पापा के लिए भी थोड़ा सा मूड जो है वो लाइट हो जाएगा, माहौल बदलेगा, एनवायरनमेंट बदलेगा। 3-4 दिन से मैं पापा से बोल रहा था पापा चलें, तो पापा बोलते थे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन पापा के नहीं बोलने में वो नहीं हुआ करता था, मुस्कुरा के बोला करते थे। क्यों? मन तो होता है ना घूमने का भी, होता है ना। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अभी, चलिए। और फिर पापा बैठे बैठे थक गए थे तो उनको लेटने का मन कर रहा था, तो मैंने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया ताकि वो रिलैक्स रहें, जिससे हम भी रिलैक्स रहें और सफ़र का हम सबको मज़ा आए। तो आप में से सब लोग पूछ रहे हैं, एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, और ये जो गाड़ी है फॉर्चुनर, ये भी नई गाड़ी है, तो इसमें पूरे वो रैपिंग वगैरह सब लगी हुई है। तो सही, कई लोग बोल रहे हैं कि सबा की नई गाड़ी आ गई है क्या? तो अभी सबा की नई कार नहीं आई है, उसका इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है। ये हमने स्पेशली पापा के लिए हायर किया है ताकि पापा आराम से लेटे हुए, जैसे भी आपने देखी हुई क्लिप, पापा आराम से लेटे हुए जा सके, क्योंकि मेरी X4 जो है वो छोटी है, कॉम्पैक्ट है, वहाँ पे पापा लेट नहीं सकते, आगे भी तकलीफ होती है। यही रीज़न है कि मैं उसको चेंज करने वाला हूँ, तो इसलिए हमने ये फॉर्चुनर बुक की है। हम फूड कोर्ट पे हैं, अभी पापा को लंच करा दिया क्योंकि उनकी दवाई का वक्त हो रहा था, अभी हम निकलेंगे यहाँ से डेरा के लिए। और आज यही ड्राइव कर रही हैं, आसंतोष भी नहीं है क्योंकि वो घर में जो काम चल रहा है उसको देख रहे हैं। और गुड, मज़ा आ रहा है, सही ड्राइव कर रही हो। क्या फोटो क्लिक करवा रही हो? ये फोटो क्लिक हो रही है, यहाँ ये बैठा है रेहान। और देखो स्ट्रगल कितना है कि ये ऐसा हिजाब है, ईयरफोन लगा सकते, तो ऐसा फोटो लेना है कि ये दिख जाए कि ये लगा है। और ये कड्डू को देखो कैसे बैठा है। ओहो, पहले सिकंदर को दे दो ताकि वो खा ले, फिर वो ड्राइव करेगा। भैया सिकंदर पहले खा लो, फिर ड्राइव करते हैं, ठीक है? हम तो बैठे बैठे भी खा लेंगे। और बर्गर दो, अमित के लिए निकाल दो। अमित पहले तुम खा लो, फिर हम चलते हैं। नहीं सर चलेगा। अरे खाओ, नहीं अरे खाओ, नहीं पहले खा लो, आज लेट भी हो गया ना हम लोग। केचप अंकित, जब तो मेरी फोटो क्लिक कर दे। और ये रहा मेरा बर्गर। और ये देखिए मैंने क्या कर लिया, अपने ही पैर में लस्सी गिरा ली। अब ये बात सुन के सब मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं, स्पेशली अम्मी और दीपिका। अरे बाप रे, एंड फाइनली वी हैव रीच्ड आवर सेकंड होम डेला रिसॉर्ट।
कितने बार आए हो? तीसरी बार है ये। ज्यादा बार है विशाल का। अम्मी विशाल पहली बार लोनावला आया है। हाँ। विशाल का फर्स्ट टाइम है ये। नहीं नहीं फोटो निकाल लोनावला ही पहली बार आया है वो। नहीं मेरे को तो ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ तीसरी बार आए हैं। अच्छा अपन लोग? हाँ तीसरी चौथी बार। वैसे अभी रूम भी खुल गया अम्मा। मजा यहाँ एक बार आए थे जब वो डांस वाला बनाया था वो हाथ वाला। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम पे। हो गया है सब सेटल। क्या कर रही? कुछ नहीं अभी थोड़ी देर रेस्ट। रेस्ट फ्रूट सैलेड खा लिया है। रेस्ट ठीक है तुम करो रेस्ट और मैं बाहर जाके देखता हूँ सबको। ठीक है बाय कल्लू टाटा। ओए विशाल कह रहा है कि हमें इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते। हमने कभी ऐसा नहीं देखा जब सर ने दिखा दी। ये तो है हम कितने बार भी आए कहीं भी जाएं बट इसका फील जो है ना वो एक अलग ही है। क्यों? अलग है। वहाँ भी हम जब विलाज रेंट पे लेते हैं हम डेरा में विला पे जाते हैं वो भी अच्छा लगता है बट इसका फील ही अलग है। नीचे भी अच्छा है लेकिन जो यहाँ एक बार आ जाएगा तो यहाँ का एक मजा अलग तो है। तो मेरी शर्त कम्प्लीट हो गई अम्मी अभी डेरा वाली आपकी गिफ्ट। अभी एक अभी हम वजन करेंगे अंदर जाके शाम को बताएंगे। नहीं नहीं देखो कम तो हुआ है मैं नहीं बोल रहा बट उस दिन जब मैं आपसे बात कर रहा था तो बाकी सब ने बोला है कि आपने अम्मी ने वेट लूज किया लेकिन हम मुझसे हमसे प्रॉमिस किया था कि एक महीने में कम करके दिखाएंगी। अम्मी ने एक महीने में कम नहीं किया मतलब मैं जीत गया। तब भी हमने कहा चलो हम कम करते लेकिन बीमारी हो गई उसकी वजह से नहीं कर पाए। हम लोग तुम्हें बताएंगे शाम को। हाँ कोई नहीं आना था घूमना था घूम लिए। अभी अम्मा और बेटी खाले को जैसे मैंने बोला वो भी जाने वाले हैं तो एक ग्लास टिप तो बनता है उनका है कि नहीं। हम पियेंगे चाय और साथ में यहाँ पे हो रहा है वीडियो अपलोड और यहाँ पे नेटवर्क इशू थोड़ा सा होता है। लास्ट टाइम भी हो रहा था वो क्या है वो बटन और वो। अच्छा आज आप काफी कुछ गिरा रहे हो ना मैंने सुना। चुप रहो ठीक है। नहीं नहीं क्यों चुप रहो? नहीं तुम क्यों वो बेचारे ड्राइवर भैया नई गाड़ी लेके आए थे क्या किया आपने उनकी गाड़ी में? लस्सी गिरा दी उनकी गाड़ी में। नहीं गिराई और लिटरली थोड़ी सी उनकी गाड़ी में गिरी थी। मैं जानता हूँ कि नई गाड़ी का दर्द कैसा होता है जब गाड़ी खराब होती है ना तो तुम यकीन कहो मुझे जो सुकून मिलता है ना कि मुझसे नहीं गिरा मैं बच गई। तो क्या हुआ कि लस्सी गिरी मेरे पैंट पे गिरी आपने देखा होगा और पैंट के साथ थोड़ी सी ना उनके फ्लोर पे मैट पे नहीं होता कार का उस पे ही गई। लेकिन मैंने उसको हाथ से पूछा है क्योंकि उनके नई नई गाड़ी है। पहले कस्टमर थे हम उनके जो लोनावला हम जा रहे थे मतलब पहली कस्टमर हम बैठे हैं उसने कहा था उनके नई यार अच्छे नहीं लगता नई गाड़ी फर्स्ट टाइम। तो मैंने उसको पेंट साफ करते करते मैंने उसको हाथ से साफ किया है बेचारे की गाड़ी और फिर बाहर उतर के मैंने हाथ धोए। तो नहीं हम मैं ध्यान रखता हूँ ऐसी बात नहीं है बट हाँ गिर गया मुझसे आज। कोई बात नहीं होता है सबके साथ होता है। सब डॉक्टर डर रही है तुमको खेलना है तुम्हारी इधर टीके इतनी बड़ी जा रही है इधर इधर नो आओ नहीं काटेगा जाओ जाओ ब्लू कपड़े वालों को प्लीज कितने कर रहा है मुश्किल आ रही है मेरे वाले ने देख लिया ना मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ। नहीं क्या कर रहा है भाई कर रहा है वहाँ पे कि भागे 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 मुझे पता था कि रील देख रही होगी अपनी दिन में चार बार देखती हूँ। क्यों? तुम्हें देखती हूँ। अच्छा अब मुझे अपने आप को नहीं देखती हो? नहीं तुम्हें देखती हूँ। पक्का अपने आप को नहीं देखती हो? अपने को देखती हूँ। जान कर रहे हो आप भी तो देखते हो अपने आप को अपने फोटो वीडियो में। आज इसकी लस्सी गिर गई इसके कपड़ों में। अरे अब ठीक तुम आ
तुम्हारी नजर लग गई। अरे एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ही मैं मतलब लस्सी लेके निकले ना, अम्मी बोलती हैं कि मिल्क शेक। मैंने कहा अम्मी आज मिल्क शेक नहीं बोला क्योंकि तुम टाइम लग रहा था और पापा थे ना साथ में, तो हम निकलते हैं जल्दी से, लस्सी पी लो। बोलते हैं लस्सी नहीं पीना हमें। तो मैंने कहा आपको वहां चलकर मिल्क शेक पिला दूंगा। अब बस मैंने बोला है कि अम्मी लस्सी पी लो, वो लस्सी नहीं पीना। लिटरली 10 मिनट के अंदर लस्सी मेरे पूरे पैर में गिर गई। तो मैं अम्मी से बोला कि अम्मी अब ये बताओ कि आपकी नजर लगी है, आपकी नियत लगी है। अभी ऑर्डर करते ना, खाना आएगा ना अभी। अभी ऑर्डर करते, और ये देखिए जनाब आज ट्रैवल किया है, थक गए हैं आराम से, और यहाँ ये भी थक गई हैं क्योंकि इन्होंने ड्राइव किया है, जल्दी सो गई। गुड मॉर्निंग। ये मैडम अभी उठ चुकी है, अभी कितने सुकून से ये और कल दोनों सो रहे थे, और बीच में अभी राउंड मारने गया था, ऊपर तक पापा भी खाना खा के सो गए हैं, घर वाले भी जो अम्मी वगैरह हैं वो सब यहाँ पे हैं, और अभी उठ गई मैडम। तो मैं चलो भाई खाना खा लेते हैं, इस टाइम कुछ बज रहा है 10:30, हम खाना खा रहे हैं फिर हम भी सोएंगे, क्योंकि आज ये जैसे मैं आपसे बोला कि ड्राइव करके आई थी, काफी थकी हुई है, बहुत दिनों बाद मैंने इतना लंबा ड्राइव किया था तो थकी हुई है, और अभी अच्छा फ्रेश लग रहा है, अभी फ्रेश लग रहा है, अभी मुझे फ्रेश लग रहा है, मैं सुने नहीं लूंगी अभी। इनफैक्ट पापा को भी फ्रेश लग रहा है, कहते ना कभी कभी एक जगह चेंज होती है तो अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मुझे शिवरिंग हुई, ना ही मुझे फीवर आया है, मौसम भी अच्छा है, ना ठंड भी नहीं है बिल्कुल, हल्का सा प्लेजेंट अच्छी वाली ठंड है, मतलब वो हल्का हल्का ठंडा है, प्लेजेंट सा है, हाँ वो अच्छा है। तो फिलहाल नहीं, प्लेजेंट से एक नॉट ज्यादा, अच्छा प्लेजेंट से एक नॉट ज्यादा, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है, ठीक है। तो बस चलिए अभी इससे पहले कि खाना ठंडा हो हम खाएं, तो अभी हम खाना खाते हैं और अच्छे से खाते हैं, चलो।